हमको भी थाना से पता चला है कि दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे का जो है कि जो भी हत्यारा है बाद में उसको पहचान किया गया और उसके पिताजी अज्ञात व्यक्तियों पर आवेदन दिए हैं अज्ञात व्यक्तियों का, तो उसमें दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। गोल लगातनी समाचार बटुए बक्सर से रिपोर्टर बानी रोहित ओझा जी। बड़ा खबर आ रहा बटुए कृतपुरा छिमनी के पास युवक के मुआवे के मामला में बड़ा खुलासा भइल बटुए। दोस्त ही दे दिहले धोखा, मुअल युवक के मोबाइल के साथ दू जना गिरफ्तार, एक जना के तलाश जारी। नशा में युवक के गर्दन के भीड़ 100 बार चुभावल गए रहे सीरीज। जी हाँ, ऐसा भयावह स्थिति, ऐसा खुलासा जेकरा के सुन के रहू रुआ गनगना जाई। दोस्त दोस्त ना रहा, कहानी सुन ले हो खब सभे। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। तो ये दोस्त गमे ना देले, जीवने खत्म कर देले बड़े। ऐसा मामला निकल करके बक्सर के मुफस्सिल थाना से आई बा। खबर का बा विस्तार से बतावल जाई, लेकिन चैनल पर नया बानी तो बेल आइकॉन के बटन दबा के ऑल पर क्लिक करके अभी सब्सक्राइब कर ली। देखला के बाद शेयर जरूर करी, नोटिफिकेशन जाए तो जरूर देखी। खबर का बा विस्तार से जानी। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कृतपुरा चिमनी के भीड़ी एगो युवक के मुआवे के मामला में पुलिस इनके दूगो दोस्त के गिरफ्तार कैले बिया, जिनका भीड़ी से मुए वाला युवक के मोबाइल भी बरामद भइल बा। ओहिजे एगो तीसरा युवक के तलाश पुलिस कर रहल बिया। पुलिस के द्वारा 10 नवंबर के मुअल युवक के पहचान होखे के साथे है मौत के गुत्थी सुलझावे में पुलिस लाग गईल। मुए वाला युवक के मोबाइल जौन घटनास्थल से गायब रहे ओकर तलाश खातिर तकनीकी टीम के सहारा लिहल गईल, जौना में मोबाइल के साथ इनका दोस्त के दबोच लिहल गईल। इनकर निशानदेही पर दूसरा दोस्त के भी गिरफ्तार कर लिहल गईल। वही टीचरका दोस्त के हत्या में शामिल बड़न, उ घटना के दिन से ही फरार बड़न, लेकिन उनकर पहचान हो गई बा। जेकर गिरफ्तारी के प्रयास में पुलिस लागल बिया। मिलल जानकारी के अनुसार 9 नवंबर के सब घर से अहिरौली में हो रहा जग देखे खातिर निकल रहे लोग, लेकिन बीच रास्ता में कृतपुरा नहर स्थित चिमनी के भेड़ी मुअल मृतक सहित सब नशा के डोज लेले रहन। यही में ड्रग्स के डोज अधिक लेवे के कारण मारपीट होखे लागल, जौना में सब मिलके मनोज यादव के मरला पीटला के बाद इनका के चारों तरफ से पकड़ के आ ड्रग्स के सुई के सैकड़ों बार गर्दन के भीड़ी चुभावल गई, जौना से युवक के जीव चली गई। इनकर चिमनी के बंद पड़ल कार्यालय में लेटा के इनकर मोबाइल लेके फरार हो गए लोग। ये घटना के बाद से ही इकलौता बेटा के मौत से पूरा परिवार के रो रो के बुरा हाल बा। गिरफ्तार युवक मुफस्सिल थाना स्थित चौसा के निवासी हवन। एगो नयन प्रसाद दास पूर्व जिला परिषद डीआर दास के बेटा हवन, वही दूसरकार टीआई कार्यकर्ता जयप्रकाश शर्मा के बेटा हवन। हालांकि आरटीआई कार्यकर्ता जयप्रकाश शर्मा के कहना बा कि सूचना मांगे के कारण हमार बेटा के थानेदार के द्वारा जानबूझ के फंसावल गई बा, हमार बेटा ये हत्या में शामिल नहीं थे। वही मनोज यादव के अन्य दोस्त जिनकर इन हत्या में संलिप्तता के बात आ रहा बा, उ फरार बढ़न, जिनकर गिरफ्तारी के प्रयास में पुलिस लागल दिया। मुफस्सिल थानेदार अमित कुमार के बतैलन कि कृतपुरा के पास मिल युवक के हत्या कैसे भइल साफ हो चुकल बा। मरे वाला इनका साथ रहे वाला उनका दोस्त ही रहन मारे वाला। तकनीकी टीम के सहायता से मुए वाला युवक के मोबाइल के साथ दूगो युवक के गिरफ्तार करके जेल भेज दिहल गई बा। पूछताछ में नशा में युवक के हत्या के बाद स्वीकार कैले बड़े, हत्या में अन्य लोग के भी शामिल बड़े, इनकर गिरफ्तारी खातिर प्रयास कैल जाता है। इकलौता बेटा के मौत के बाद से ही माई के आंसू रुकत नहीं थे। घटना के 10 दिन होखला के बाद भी परिजन के रो रो के बुरा हाल बा। वही मुए वाला मनोज यादव के पिता संतोष यादव बतावत रहन कि बेटा के मौत के बाद अज्ञात लोग के खिलाफ थाना में FIR दर्ज करैले रही। कहे से कि हमारे हत्या में अभी 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या कहना चाहते हैं आप इसमें? हमको भी थाना से पता चला है कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे का जो है कि जो भी हत्यारा है वो सामने आए और उस पर उचित कार्रवाई हो। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम संतोष कुमार सिंह। चिमनी के पास जो युवक की हत्या हुई थी उसमें क्या अपडेट है? पूरा चिमनी के पास 10 तारीख को अननोन डेड बॉडी मिला था, बाद में उसको पहचान किया गया और उसके पिताजी अज्ञात व्यक्तियों पर
आवेदन दिए हैं वित्तीय सहायता का, तो उसमें दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार से लिप्त व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और एक की गिरफ्तारी हेतु तलाश जारी है।